विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला टोहाना पहुंचे। इस दौरान कई गांव के लोग बीजेपी में शामिल हुए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में परिवर्तन के बाद उसकी गुटबाजी अब सड़क पर आ गई है। इस दौरान कई गांव के लोग बीजेपी में शामिल हुए वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में परिवर्तन के बाद उसकी गुटबाजी अब सड़क पर आ गई है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कंवरपाल ने कहा है कि बीजेपी में बगावत ना होने से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में लोग केवल टिकट के लिए आते हैं, उनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना है। कांग्रेस ने अपनी सत्ता में केवल अपना विकास किया है, जनता का नहीं। कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन भी शामिल हुए। लाडवा और थानेसर के विधायकों समेत पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर अनिल जैन ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर 75 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिग्विजय ने कहा कि वो चुनाव प्रचार के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आदेश देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे और जींद से उनको विशेष लगाव भी है। सोनीपत के सेक्टर 15 में रहने वाली महिला से करीब 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। महिला को 3.25 करोड़ की लॉटरी निकलने का झांसा देकर ठगी की गई है। ठगी के आरोपियों ने खुद को कैनेडियन एम्बेसी और आरबीआई का कर्मचारी बताया था। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि ठगों ने 90 लाख रुपए नगद लिए थे और 16,42,000 रुपए अलग अलग बैंक खातों में डलवाए थे। टोहाना में दुर्गा कॉलेज की छात्राओं ने अपनी समस्याओं से परेशान होकर रोड पर जाम कर प्रदर्शन किया है। छात्राओं का आरोप है कि 11 गांवों के लिए केवल एक बस है और कॉलेज में बिजली पानी की भी समस्या है। अब प्रिंसिपल से शिकायत की गई तो उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर बात टाल दी। प्रदर्शन के दौरान वहां SDM पहुंचे और छात्राओं को जल्द समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। सोनीपत में 7वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी में रहने वाले राज मिस्त्री पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। हादसे के बाद बच्ची डर गई थी, जिसकी वजह से उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। 1 महीने बाद बच्ची ने अपनी मां को सारी आप बीती बताई, जिसके बाद पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फतेहाबाद में एक हादसे में 2 व्यापारियों की मौत हो गई। दोनों व्यापारी बाइक से जा रहे थे और अचानक पेड़ गिरने से हादसा हो गया। आसपास के लोग दोनों को पेड़ के नीचे से निकालकर अस्पताल लेकर गए। एक शख्स की रास्ते में ही मौत हो गई, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों का शव परिजनों को सौंप दिया है। पंचकुला में आयुष्मान भारत योजना जन स्वास्थ्य का आयोजन किया गया। आयुष्मान विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकेत कुमार पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रतिया के स्कूल में पराली नहीं जलाने को लेकर पराली पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें पराली नहीं जलाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फतेहाबाद के DC शामिल हुए।